शराब पीने वालों के लिए और पिलाने वालों के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। अब घर बैठे कोई भी व्यक्ति अपने घर में शराब मंगा सकता है किसी भी समय, वो भी ऑनलाइन। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो चखना मिलेगा आपको एकदम फ्री। इतनी बेहतर जानकारी जानने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। चलिए पहले समझते हैं कि किस तरीके से आप ऑनलाइन शराब खरीद सकते हैं और कहां कहां पर ऑनलाइन डिलीवरी होगी और कहां पर ऑनलाइन डिलीवरी नहीं हो पाएगी। केजरीवाल सरकार ने शराब की ऑनलाइन डिलीवरी के लिए एक ऐप और एक डेडिकेटेड वेबसाइट डिजाइन की है, जिस पर जाकर आप अपनी मनचाही शराब को क्लिक करके कार्ट में ऐड करके ऑनलाइन डिलीवरी के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। शराब बेचने के लिए एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, जिसकी कैटेगरीज होती हैं L13, L14, L15। तो पहले सिर्फ L13 कैटेगरी के लोग ही ऑनलाइन शराब की डिलीवरी करवा सकते थे। L13 कैटेगरी का लाइसेंस बहुत ही कम लोगों को मिलता है। L14 कैटेगरी का लाइसेंस आमतौर पर आप जो सड़क के किनारे शराब की दुकानें देखते हैं उन सबके पास होता है। तो अब से जिनके पास भी L14 कैटेगरी का लाइसेंस होगा, वो आपको ऑनलाइन डिलीवरी शराब की कर पाएंगे आपके घरों तक। और इसके सेकेंड चरण में काफी सारे जो एप्स होते हैं, जोमैटो या फिर स्विगी, इनके साथ भी डील की जाएगी और ये लोग भी आपको डिलीवर कर पाएंगे घर पर शराब। और जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ऑनलाइन जब किसी ऐप के थ्रू कोई प्रोडक्ट बिकना शुरू होता है तो वहां पर अलग अलग प्रकार के कंपटीशन शुरू होते हैं। तो आने वाले समय में आप 10% से लेकर 15% तक का ऑफर इन शराब की दुकानों पर देखेंगे और साथ में देखेंगे कि कुछ लोग अलग अलग तरीके से आपको स्नैक्स या फिर चिकन या अलग अलग वैरायटी की चीजें शराब खरीदने पर फ्री कर देंगे। कोरोना में इस तरीके का कदम उठाना वास्तव में बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि शराब की ही वो दुकानें थी कि कोविड का लॉकडाउन अनाउंसमेंट होते ही सबसे पहले लोग शराब की दुकानों पर उमड़ पड़ते थे। तो ये हो जाने से दोस्तों हम आशा करेंगे कि शराब की दुकानों पर भीड़ नहीं लगेगी और लोग अपनी मनपसंद शराब अपने घर पर इजीली और सेफली पाएंगे। आपका क्या मानना है दोस्तों सरकार के इस कदम पर, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।